किन्नौर SDM ने कहा कि परीक्षाओं में नकल स्वीकार्य नहीं है। नकल रहित परीक्षाएं करवाने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। छापामार कार्रवाई जारी रहेगी। इस दिशा में आज जनता स्कूल के परीक्षाएं केंद्र में केंद्र अधीक्षक आजाद सिंह ने दूसरे विद्यार्थियों के स्थान पर परीक्षा देने वाले 5 फर्जी छात्रों को पकड़ा है। इसके पहले SDM सुरेंद्र पाल ने राजकीय मंडल सांस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किन्नौर में स्थापित परीक्षा केंद्रों का भी निरीक्षण किया है। जो 10वीं के हिंदी परीक्षा पेपर जो चल रहा था, यहाँ जो स्टूडेंट आजाद सिंह उनकी टीम ने ये कुछ बच्चे 5 बच्चे ऐसे पकड़े हैं जो दूसरी जगह पेपर दे रहे थे, तो पुलिस ने को बुला लिया हमने। उनकी रिपोर्ट हम पुलिस को सुपरवाइज कर रहे हैं। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी और एजुकेशन बोर्ड भिवानी को अलग से रजिस्टर रिपोर्ट भेजी जा रही है। अर्थ प्रकाश TV के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट।